भी एक से ज्यादा बैंक अकाउंट रखते हैं तो ये खबर आपके काम की है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि एक से ज्यादा खाते रखने का क्या नुकसान हो सकता है। बता दें कि आजकल के वक्त में बैंकों की पहुंच लोगों तक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में एक व्यक्ति के पास एक से अधिक बैंक अकाउंट होते हैं। प्रधानमंत्री जनधन खाते के कारण आजकल गांव-गांव तक लोगों का बैंक खाता खुल चुका है। ऐसे में बैंकों ने अपने कामकाज के तरीके में बहुत बदलाव किया, साथ ही इस एटीएम कार्ड के कारण बैंक खाते को ऑपरेट करना बहुत आसान हो गया है। लोग घर बैठे भी अपने सारे काम निपटा लेते हैं। ऐसे में बैंकों ने ग्राहकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करने के साथ ही वीडियो कॉलिंग के जरिए केवाईसी की सुविधा शुरू कर दी। साथ ही ज्यादा बैंक खाते होने के अपने ही फायदे हैं, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके फायदे के बजाय आपके साथ नुकसान हो सकता है। बता दें कि हर बैंक में खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का नियम है। अगर आप खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो आपको बैंक को जुर्माने के रूप में राशि चुकानी पड़ेगी। साथ ही मिनिमम बैलेंस न मेंटेन करने पर आपको जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए लगातार ऑपरेट करना पड़ता है। ऐसा न करने पर आपका खाता डीएक्टिवेट हो जाएगा।